प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल टू हंड्रेड वन डिप्लो प्लास्टिको प्लास्टिक डिप्लो प्लास्टिक एनिमल दरअसल ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर टू प्राइमरी जर्म लेअर्स होती हैं पहली जो जर्म लेयर है उसको एक्टोडम और दूसरी जो जर्म लेयर है उसको एंडोडम कहते हैं इनके अंदर मिडल लेयर जो कि मीजोडम है वो एबसेंट होती है अगर इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनके अंदर एक्टोडम मौजूद है और एंडोडम मौजूद है एक्टोडम और एंडोडम के दरम्यान में एक और लेयर है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर मीजोडम कहलाती है जबकि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर ये लेयर एब्सेंट होती है अब ये देखने में आया है कि कुछ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो मिडल लेयर है उसके अंदर लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं लेकिन इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हम इस वजह से नहीं कहते क्योंकि ये जो मिडल लेयर है इसके अंदर ऑल्दो के लिविंग सेल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन या तो ये एक्टोडम से मूव करके आए होते हैं या फिर एंडोडम से मूव करके आए होते हैं ये ट्रू लेयर नहीं कहलाती इस वजह से थर्ड लेयर होने के बावजूद ये एनिमल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही कहलाते हैं उसके बाद जो एक्टोडम है एक्टोडम बेसिकली जो स्किन है या एपिडर्मिस है वो बनाती है जबकि जो एंडोडाम है ये गट और उससे जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो इससे बनते हैं अब अगर हम एनिमल फाइलम निडेरिया और टीनोफोर्स की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं अब जो निडेरियंस हैं इसके अंदर जेलीफिश कोरल्स सीपेंस सी एनिमून्स शामिल हैं जबकि जो टीनो फोर एनिमल्स हैं टीनो फोर्स के अंदर कॉम जेलीज शामिल हैं ये एनिमल प्रिमिटिव एनिमल्स हैं और इनके अंदर ये प्रिमिटिव मेटाजोन हैं और इनके अंदर कैविटीज या फिर जो ट्रू स्ट्रक्चर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं अब अगर हम जो ट्रू मेटाजोन्स हैं उनकी बात करें तो मोस्ट ऑफ द ट्रू मेटाजोन्स डेवलप थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स यानी इनके अंदर एक्टोडम भी मौजूद है इनके अंदर मिजोडम भी मौजूद है और इनके अंदर एंडोडम भी मौजूद है इस स्लाइड में अगर हम देखें तो ये एक ब्लास्टिकोडम भी मौजूद है और इसके अंदर एंडोडम भी मौजूद है यानी इनके अंदर तीनों जर्म मौजूद है अब ये जो थ्री लेयर्स हैं इनसे कौन से बॉडी स्ट्रक्चर्स बनते हैं अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म बेसिकली गिव राइज टू एपिडर्मिस एंड मे आल्सो गिव राइज टू द सेंसरी ऑर्गन एंड पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी जो एक्टोडर्म है इससे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं एक तो इससे एक्टोडर्म से जो स्किन है या एपिडर्मिस है वो बनती है और दूसरा जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी एक्टोडर्म से ही बनते हैं उसके बाद अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें जो कि मिजोडाम है मिजोडाम से कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं मिजोडाम मेनली फॉर्म द मसल्स कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड वेजल्स लाइनिंग ऑफ द एंटीरियर कैविटीज सर्टन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड स्केलेटल मसल्स तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिजोडम से बनते हैं अब अगर हम एंडोडम की बात करें तो एंडोडम सबसे इनर लेयर है इससे कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं एंडोडम गिव राइज टू दार्टेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक पार्ट ऑफ द एंड तमाम जो स्ट्रक्चर वो एंडोडम से बनते हैं तो बेसिकली जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंस ये है कि जो डिप्लो एनिमल्स हैं इनके अंदर टू जम लियर्स मौजूद हैं ब्लास्टूला के अंदर जबकि जो ट्रिप्लो प्लास्टिक एनिमल्स हैं इनके अंदर थ्री जर्म्स मौजूद होती हैं। अब जो थ्री बनता है जबकि जो मीजोडम्स है मीजोडम्स से जो मसल्स है कनेक्टिव टिश्यूज हैं ब्लड वेजल्स एपिथिलियर लाइनिंग ऑफ इंटीरियर कैविटीज और सर्टेन स्क्रीटरी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं

इसके अंदर मुलास्क शामिल हैं इसके अंदर वर्टिब्रेट शामिल हैं इनके अंदर शामिल हैं और जो हैं और इकाइनोडर्मेटा जो ये भी आर्थरो एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के अंदर टू जम ले के अंदर जबकि जो ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनके अंदर थ्री जम लेयर्स हैं डिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं इनकी एग्जाम्पल्स टीनोफोर्स और निडेरियंस हैं जबकि ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर आर्थ्रोपोर्ट शामिल हैं इकानोडम्स शामिल हैं इनके अंदर वर्टिब्रेट शामिल हैं और मुलस्क भी इन्हीं के अंदर शामिल हैं